उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ साई। तू ऐसा नहीं था, कुछ तो हुआ है जिस वजह से वो बहुत परेशान है। हालांकि वो बताता नहीं है, पर मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। और वो जैसा बर्ताव कर रहा है, मुझे उसको लेकर बहुत चिंता है, डर है। डरने से कब समस्या हल हुई है? परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उनसे। ये समझ लो कि ये लड़ाई की शुरुआत है। मालिक ने हालात से जूझने की शक्ति सबको दी है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। राम जी भला करें। हरिओम। संता, सरकार आपके लिए एक खुशखबर है। लगता है शास्त्री जी की भविष्यवाणी सच होने वाली है। वो देख रहे हैं आप उस दत्त को किस प्रकार उखड़ा उखड़ा बैठा है? वो ना ही अपने आई बाबा से बात कर रहा है, ना ही अपने छोटे भाई से। अपने घर वालों से बहुत गुस्सा है वो। इतना गुस्सा है कि आज सुबह से उसने ना ही कुछ खाया है, ना ही कुछ पिया है। सरकार, मैं उसके घर के पीछे छिप कर उसकी एक एक हरकत पर नजर बनाए रखा हूँ। हरिओम हरिओम। संता, ये सच में शुभ समाचार है। जी सरकार। शिकार के सामने चारा फेंकने का समय आ गया है। ऐ सुन, रुक्मिणी ने जो पुरनपोली बांध के दिए ना, वो दे मुझे। वाकई बहुत अच्छी रंगोली बनाई है तुम लोगों ने। शुक्रिया साई। साई, कहानी सुनने का मन कर रहा है, एक कहानी सुनाई है ना? हाँ साई। साई ठीक है, आओ अंदर। बैठो बैठो दत्तू, बैठो 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 बेटा, बैठो 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 बैठो। हमेशा हंसने खेलने वाले दत्तू की ये क्या दशा हो गई है? बेटा भूख लगी है ना, लो खा लो। हरिओम हरिओम। भूखे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। एक तो अपने घर वालों से दुखी, ऊपर से तुमने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। आपको कैसे पता है सर? तुम्हारे आई बाबा से पता चला। तुम्हारे आई बाबा मेरे खेतों में काम करते हैं। वो बातें कर रहे थे तभी जाके तुम्हारे बारे में पता चला। बेटे, क्या वो मेरे लिए परेशान थे? हरिओम हरिओम। काश ऐसा होता बेटे, पर तुम उनके बारे में जो सोच रहे हो वैसा वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं। बेटा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और तुमसे झूठ बोलने का अर्थ है भगवान से झूठ बोलना। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो कह रहे थे
दत्तू पहले से बिगड़ा हुआ था, आजकल बहुत अकड़ रहा है, अपने असली रंग दिखा रहा है। असली रंग? हाँ असली रंग। कह रहे थे जितना अकड़ना है अकड़े हमारी बला से, हम ध्यान नहीं देंगे। एक तो अनाथ बच्चे को इतना पाल पोस के बड़ा किया, ऊपर से वो हमें ही आंखें दिखा रहा है। चार दिन भूखा रहेगा तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी, ऐसा कह रहे थे। और मैंने ये हरिओम हरिओम तीर निशाने पे लगा है, जिस तमतमाहट से गया है लगता है आग भड़क चुकी है। अब देखना यह है कि आग कैसे फैलती है और कैसे उस फकीर को अपने चपेट में लेती है। हरिओम। बच्चों, दशहरे के दौरान तुम सबने रामलीला की थी जो संक्षिप्त कहानी पर आधारित थी। जानते हो रामायण में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो हमें कोई ना कोई सीख देते हैं। उन्हीं में से मैं आज रानी कैकेयी और मंथरा की कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी, बहुत महत्वाकांक्षी, चाहती थी कि महल में उसका औधा बढ़े, और ये तभी संभव था जब रानी कैकेयी राजमाता बने। लेकिन राजमाता तो महारानी कौशल्या बनने वाली थी, क्योंकि नियमानुसार उनके बेटे श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, इसलिए मंथरा का ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा था, और इसलिए उसने रानी कैकेयी को राम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पहले तो रानी कैकेयी नहीं मानी, लेकिन जब एक ही बात बार बार दोहराई जाए तब असर दिखाने लगती है। रानी कैकेयी पर भी मंथरा की बातों का असर होने लगा। उन्हें अपना और अपने बेटे भरत का भविष्य असुरक्षित नजर आने लगा। उन्होंने महाराजा दशरथ से उन दो वचनों को पूरा करने के लिए कहा जो उन्होंने कभी भी मांगने के लिए कहा था। रानी कैकेयी ने मांगा कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास मिले और उनका बेटा भरत अयोध्या का राजा बने। बच्चों, अब ये बताओ इस कहानी में गलती किसकी थी? मंथरा की। ले खा ले। नहीं आई, दादा के बिना खाने का मन नहीं करता। जब तक वो नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा। देख हरी, खा ले, ज्यादा जिद मत कर। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसके लिए आखिर कब तक भूखा रहेगा तू? जानता है ना, हमने उसे मनाने की कितनी कोशिशें की, अब जब तक वो बोलेगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो नाराज क्यों है। तू उसके लिए दुखी मत हो, जब भूख लगेगी तो वो खा लेगा। चल अब तू खा ले, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। कह रहे थे जितना अकड़ना है अकड़े हमारी बला से, हम ध्यान नहीं देंगे।
एक तो अनाथ बच्चे को इतना पाल पोस के बड़ा किया, ऊपर से वो हमें ही आंखें दिखा रहा है। दत्तू आ गया तू? कहाँ था सुबह से? देख तेरे कारण हरी भी सुबह से भूखा है, बहुत मनाया तो अब खा रहा है। दत्तू ये क्या बदतमीजी है? हाँ देख दत्तू, मैं तेरे हजार नखरे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अन्ना का अपमान मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझा तू? इस अन्न के लिए मैं और तेरे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ये नसीब होता है, और तूने इसे फेंक दिया? वो तो तेरा नसीब अच्छा है कि बेटे बेटा सब कुछ दे रहे हैं हम तुझे, लेकिन तुझे किसी की कदर नहीं है। क्या ये संस्कार दिए हमने तुझे? अब ऐसे मुंह फुलाए खड़ा रहे, कुछ बोल मत। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू ऐसा बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, जैसे हम तेरे आई बाबा नहीं बल्कि दुश्मन है। अब चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या हुआ? बच्चों, क्या सभी को यही लगता है कि मंथरा की गलती थी? हाँ साईं। लेकिन मंथरा तो पराई थी और रानी कैकेयी, वो जितना भरत से प्रेम करती थी उससे कहीं ज्यादा प्रेम राम से करती थी। क्या ये उनकी गलती नहीं है कि वो मंथरा की बातों में आ गई? मंथरा ने जो कहा उससे सहमत हो गई? उन्हें तो राम पे भरोसा करना चाहिए था जो उनकी गोद में खेलकर बड़े हुए थे। इसीलिए हमेशा कहता हूं, रिश्तों में हमें उतना भरोसा रखना चाहिए कि कोई तीसरा आकर उनमें कड़वाहट ना खोल सके, दरार ना डाल सके। दुनिया चाहे लाख उकसाए, हमें अपना विश्वास सच्चे और अच्छे लोगों पर बनाए रखना चाहिए। हमारी एकता और एकजुटता के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं साईं, हम समझ गए। हम हमेशा द्वारका माई को बाहर से प्रणाम करके चले जाते थे, अब अंदर जाने का समय आ गया है। अब साईं हमें इस मुश्किल से बाहर निकालने का उपाय बता सकते हैं। अब ठीक कह रहे, चलिए साईं के पास। बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म। अब तुम सब घर जाओ, कोई मुझसे मिलने आने वाला है। कौन साईं? हरिओम हरिओम। बधाई हो शास्त्री जी, बधाई हो। उस फकीर की पराजय तो निश्चित है। समाचार मिला है कि भालचंद्र का बेटा सीधे मुड़ बात भी नहीं करता है अपने घरवालों से।
स्थिति ऐसी हो गई है कि भालचंद्र का बेटा उसे कभी भी छोड़कर जा सकता है, आज नहीं तो कल। अर्थात आपकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। हरिओम हरिओम। इसमें हमें कोई संदेह नहीं था, हम तो हमारे गुरुजी के दिए ज्ञान के बल पर लोगों को उनका भविष्य दिखाते हैं ताकि लोग पहले से तैयार रहे, सतर्क रहे। हम पर स्वामी घोलप जी की कृपा है। गांव में जाकर ये खबर फैला दो कि शास्त्री जी की भविष्यवाणी को वो पाखंडी भी बदल नहीं पा रहा है, उसकी पराजय तो निश्चित है। जी सरकार। हरिओम हरिओम। स्वागत है द्वारका माई में। आपका आशीर्वाद बरसों से हम पर है और ये ऐसे ही बना रहे। हम यही सुनिश्चित करने के लिए आए हैं आपके पास। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी बुरा समय आएगा हमारी जिंदगी में। हमें आपकी मदद चाहिए साईं। क्या समस्या है साईं? दत्तू का बर्ताव बदल गया है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, हरी से दूर रहने लगा है, हमसे दूर रहने लगा है, सीधे वो बात तक नहीं करता, गुमसुम रहता है। साईं, हमें डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए हमसे दूर ना हो जाए। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी साईं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सबूरी उमा, शांत हो जाओ। भालचंद्र, वहां उस पक्षी प्याऊ में थोड़ा सा पानी रखा है, उसे ले आओ। जी साईं। यहां रखो। उमा, अब तुम इस लकड़ी से पानी को मारो। Thank you.
क्या मतलब है साईं? बैठो। उमा, क्या तुम पानी को बांट पाई, तोड़ पाई? साईं, पानी पीटने से कभी अलग हुआ है, जो आज होगा। दिल के रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं उमा, दिल पे कितने ही वार करो वो उछलता है, उसमें उबाल आता है, मगर वो टूटता नहीं। साई, आप सही कह रहे हैं, पर मुझ पे जो बीत रही है उसका क्या? दत्तू का बदला हुआ बर्ताव मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं उसकी आई हूँ, जानती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है। कैसी बेबसी है मेरी कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे वश में जो था वो तुमने किया उमा, और जो तुम अब तक करती आई हो उसे छोड़ना मत। माँ का कर्तव्य है अपनी संतान पर ममता लुटाना, प्यार से पेश आना। दुनिया की हर समस्या प्यार से सुलझाई जा सकती है, और दत्तू तो तुम्हारा बेटा है। देखना, एक दिन उसका गुस्सा तुम्हारे प्यार के आगे पिघल जाएगा। साईं, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये मूल्य शास्त्री जी की भविष्यवाणी की शुरुआत तो नहीं। बालचंद्र, जितना भरोसा हाथ की रेखाओं पर करते हो उतना ही भरोसा खुद की मुट्ठी और कलाई पर भी करो, क्योंकि मुट्ठी और कलाई रेखाओं को जहां ले जाएगी उन्हें उस तरफ जाना ही होगा। नहीं समझे? जल्दी समझ जाओगे। तब तक अपने बेटे को प्यार देते रहो, उसे ये महसूस होने दो कि वो चाहे जो भी करे उसके लिए उसके आई बाबा का प्रेम कभी कम नहीं होगा। चलते हैं साईं। राम जी भला करे। ना मैं आपकी औलाद हूं, ना ही आप मेरी असली मां। नहीं रहना मुझे इस नरक में। जाने दो उसे।